डाणा ग्राम पंचायत भवन में पुलिस जन सहभागिता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें थानाधिकारी सतपाल यादव ने ग्रामीणों को जनसंवाद करते हुए ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि पुलिस व ग्रामीणों को आपस में समन्वय से ही अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए पुलिस तुरंत अपराधियों पर कार्रवाई कर सके। उन्होंने यातायात नियमों के बारे में भी ग्रामीणों को जानकारी दी, जिससे हादसों को रोका जा सके तथा ऑनलाइन व साइबर ठगी से बचाव के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने समझाया प्रलोभन वाला फ़ोन कॉल या कोई भी पत्र व्यवहार न किया जाए, अगर ऐसा मामला तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। ग्रामीणों ने शिव मंदिर व नदी क्षेत्र में शाम ढलते ही अपराधियों के जमावड़े की शिकायत की, जिस पर थानाधिकारी ने तुरंत गश्त की व्यवस्था चालू करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि विकास सैनी, पंच कौशिला देवी सहित कई पंच व ग्रामीण उपस्थित थे। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक जो श्री मनीष अग्रवाल जी ने एक पहल की है कि पुलिस जन सहभागिता में गांव जाके गांव के लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाए और अपराध और कानून के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए, जिसके संबंध में आज हमने डाडोत में ये जन सहभागिता प्रोग्राम रखा गया, जिसमें ग्रामीणों ने कुछ समस्याएं बताई हैं। शाम के टाइम पे यहाँ नदी के कटान क्षेत्र में और यहाँ लोग को सवारा लोग घूमते हैं, जो कि आने जाने वालों को परेशानियाँ होती हैं। कुछ लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं भी लोगों ने अपनी दी है, उनके संबंध में हमने जांच कर दी और इसके लिए हम पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए कहा है, तो हम शाम से ही आज इस काम को शुरू कर देंगे। और जनता को एक मैसेज है, जो कि यातायात के नियमों के संबंध में, अपराधियों की सूचना देने के संबंध में और साइबर क्राइम के संबंध में अवेयर रहने के संबंध में हमने लोगों को जानकारियाँ दी।